कि बोर्ड के एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित हुआ था, अब आज जो है 12वीं का CBSE बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ। बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार होता है क्योंकि आखिरकार बड़ी मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और उनको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब रिजल्ट आएगा और कब वो अच्छे नंबर से पास होंगे और कब आगे की तैयारी शुरू करें। गरिमा जी हमारे साथ हैं, पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है गरिमा जी ने। पूछते हैं कि आखिरकार कितनी मेहनत करी उन्होंने जो थर्ड स्थान जो है उन्होंने प्राप्त किया पूरे देश में। गरिमा जी पहले तो आपको बधाई, और किस तरह की मेहनत करी आप जो है पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया? मेहनत भाई, किताबें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ती हैं, बोर्ड है तो ये नहीं सोच सकते कि टीचर्स के क्वेश्चंस कर लो इसी में से आएगा। हाँ, किताब बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ती है, वरना कोई ट्यूशन या एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स और सब नहीं किया, किताब में ही बहुत टाइम लग जाता है, इतना ही बहुत है। अभी देखा गया कुछ सब्जेक्ट ऐसे टफ होते हैं जिसको लेकर तैयारी बहुत करते हैं, तैयारी सबके लिए बहुत की थी, बट मेन एंटरप्रेन्योरशिप में था क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, केस स्टडीज करनी पड़ती हैं और मटेरियल बहुत कम है उस सब्जेक्ट में क्योंकि इट्स अ रिलेटिवली न्यू सब्जेक्ट। सो या उसमें काफ़ी टेंशन थी, बट होपफुली मतलब आई एम थैंकफुल रादर अच्छा रिजल्ट आया उसमें। जब तैयारी करते हैं तो पेरेंट्स का भी दबाव रहता है और जो है अध्यापक का भी दबाव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। क्या समझते हैं इतना बढ़िया रैंक प्राप्त करने पर किसका आपका जो है पीछे से मदद? दबाव एक्चुअली मुझ पर किसी का आसिस था नहीं, मेरे पेरेंट्स पर नेवर प्रेशराइजिंग नहीं, मैं टीचर तो अच्छा नेवर प्रेशराइज नहीं, मुझ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर खुद का ही होता था, मैं ही खुद अपने आप को कर रही होती थी नहीं इतना कम नहीं इतना कम नहीं। एंड ऑब्वियसली एवरीवन वाज हेल्पफुल, एवरीवन मोटिवेटेड मी टू डू वेल, दे टोल्ड मी दैट आई हैड पोटेंशियल टू डू इट, बट नो वन एवर प्रेशराइज मी अबाउट इट। एक्चुअली ऊपर वाले चार मेरे ब्रदर के हैं, ही इज अ वेरी नाइस डिबेट, ही इज अ वेरी नाइस ओरेटर एक्चुअली, एंड नीचे के दो मेरे हैं, उसमें से एक एक्चुअली 11th में टॉप मारा था मैंने इन द बैच, सो उसका टॉप। 11वीं के बाद आप 12वीं में टॉप, क्या कहेंगे आप? बस मेरी रेटिंग मेरा प्राउड है, मेरा अहंकार है। बच्ची पढ़ती होगी एग्जाम, जब एग्जाम जारी करेंगे कितने घंटे पढ़ाई करेंगे? 14 से 16 घंटे से पढ़ाई, दिन भर लगी रहती थी, मतलब कोई ब्रेक नहीं, मुश्किल से 10 मिनट को ब्रेक, 5 मिनट को ब्रेक, और वो लगी रहती थी कंटिन्यूस लगी। आज रिजल्ट घोषित हो गया, फ़ोन तो आने शुरू हो गए होंगे आपके, कितने लोगों के फ़ोन आए आपके पास? अभी मैं गिन नहीं सकती क्योंकि फ़ोन इतने सारे आ रहे हैं, कभी मैं गिन नहीं सकती, वो बहुत सभी खुश हैं, पूरे परिवार में, पूरे खानदान में सभी खुश हैं क्योंकि आज तक इतना अच्छा रिजल्ट पूरे खानदान में फर्स्ट टाइम है, और सब कह रहे हैं कि अपना नाम सार्थक किया है, गरिमा जो नाम है सच में पूरे परिवार पूरे खानदान की दिखा रहे हैं। 500 में सिर्फ 3 नंबर क्या गए? एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं, मतलब बुरा बहुत लग रहा है, इकोनॉमिक्स में 2 नंबर कटे, इट वॉज ऑलवेज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसमें मैं 100 चाहती थी बट एक क्वेश्चन में रह गया, तो हाँ बुरा लग रहा है बट ओवरऑल इतना भी नहीं लग रहा है ज़्यादा लालच बुरी बुरा है, तो अच्छा नंबर है, आई एम हैप्पी विद इट, आई एम सैटिस्फाइड। आगे की क्या तैयारी है? आगे के लिए तो साइकोलॉजी करना है DU से, उसके बाद UPSC देना है IAS के लिए, तो पहले साइकोलॉजी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, फिलहाल तो वही गोल है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म का प्लान है। आप उनको बताएं क्या कहेंगे जो बच्चे पास हुए हैं, कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आई है वो नर्वस फील करें, उसके लिए आप क्या कहें? मेहनत करें आगे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता और मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती, जो मेहनत करते हो उसका फल ज़रूर मिलता है, तो अगर अभी नहीं किए तो कोई बात नहीं, आगे और मेहनत कर लो, अच्छा रिजल्ट जरूर आ जाएगा। अधिकतर देखा गया कि जब एग्ज़ाम आते हैं तब बच्चे पढ़ाई करते हैं, पहले 2-2 घंटे पढ़ाई करते थे, जब एग्ज़ाम आते हैं तो 14-14, 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? आपने तो पढ़ाई भी करी है। मैं तो स्टार्टिंग से एक्चुअली ज़्यादा ही, मतलब स्टार्टिंग से जितना मतलब SA में जितना सिलेबस था, ऐसा नहीं था कि इसके नंबर नहीं लगने तो मत पढ़ो, वो मेंटालिटी एंड में बहुत भारी पड़ जाती है, मैंने तो स्टार्टिंग से ही पढ़ा, एंड स्टार्टिंग में जो ऑब्वियसली नहीं पढ़ता उसके लिए एंड में बहुत स्ट्रेसफुल है क्योंकि हर बार छुट्टियाँ मिल जाती हैं, इस बार हमारे साथ हुआ था कितनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिली, तो ऐसा केस जब होता है तब बहुत भारी पड़ जाता है, वरना स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, हुआ नहीं है स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो हो जाता है, लास्ट टाइम पे करो तो हाँ गारंटी है नहीं होगा। UP का एग्ज़ाम का भी रिजल्ट आया था 10वीं बारे में, तो इस बार जो है CBSE का आ रहा है, लड़कियों ने टॉपर किया क्या कहेंगे इसमें? ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट इट्स अ नाइस थिंग एंड ऑब्वियसली खुशी होती है लड़कियों का होता है, तो वरना मैंने ऐसे इंडिविजुअली आई हैव नेवर सीन डिस्क्रिमिनेशन, माय पेरेंट्स नेवर डिस्क्रिमिनेटेड, बट ऑन द होल कंट्री में बहुत है, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग फॉर द कंट्री दैट वुमेन आर प्रोग्रेसिंग, वुमेन हैव अचीव सो मच नॉट ओनली इन 12th, नॉट ओनली 11th, बट एवरीवेयर, सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी नाइस एंड प्राउड।
आपने देखा होगा कि 497 में 18 लोग लाइन पर खड़े हैं, आपने हासिल करी, आप वो भी सबसे पहले आपका नाम था। Obviously, it's a very proud thing. Luck है, lucky है और क्या है, बहुत लोगों के हैं। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि आखिरकार मेहनत करी है और रंग लाई है, देश के अंदर जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया है, बहुत खुशी है। अब इनका ये कहना है कि IAS की तैयारी कर रहे हैं जिससे देश का नाम रोशन कर सकें, अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत कर सकें, अगर मैं एक IAS अधिकारी बन जाती हूँ। वहीं माँ बाप का कहना है कि काफ़ी मेहनत करने के बावजूद जो है इतना बढ़िया स्थान मेरी बेटी ने प्राप्त किया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रोहित शर्मा, नोएडा।